I welcome you all to your very own show, The Hindu Editorial Express. और आज के दिन की शुरुआत कर लेते हैं भाई कुछ वादों के साथ। और आपको पता है इतने सारे वादे और हम रोज ये वादे आपके लिए पूरे करते हैं, निभाते हैं। फिर दिन की शुरुआत एक मोटिवेशनल कोट के साथ, ओपरा विनफ्रे जी के शब्दों में, क्रिएट द हाईएस्ट ग्रैंडेस्ट विजन पॉसिबल फॉर योर लाइफ बिकॉज यू बिकम वॉट यू बिलीव। कितनी अच्छी बात कही है इन्होंने। ओपरा विनफ्रे जी ने कहा है कि अपने जीवन में जितना हो सके उतना ऊंचा और जितना हो सके उतना महान लक्ष्य, विजन, दृष्टिकोण बनाकर चलिए, क्योंकि आप वही बन जाते हैं जैसा कि आप सोचते हैं। अच्छा सोचेंगे अच्छा होगा, ऊंचा सोचेंगे ऊंचा बनेंगे। ठीक है, अब बढ़ जाते हैं हम आज के दिन के लिए। कल जो आपको एक क्विज मिली थी उसका आंसर देने के लिए, कि देखिए सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन मिला था, आई एम ग्रेटफुल फॉर यू, तो किसी के लिए भी ग्रेटफुल फॉर नहीं हुआ जाता, ग्रेटफुल टू समवन होते हैं, फॉर समथिंग होते हैं, है ना, फॉर समथिंग लेकिन टू समवन, इसलिए यहां पर बी पार्ट में मिस्टेक है। नेक्स्ट, कन्फाइड के साथ ऑन नहीं लगाया जाता, कन्फाइड के साथ इनका प्रयोग होता है। फिर आपको नेक्स्ट वर्ड देखने के लिए मिली था, वो कैब आया था, एक एरर आया था, यहाँ पर लिखा था फार्म फिशेज आर प्रोन, प्रोन के साथ बाय नहीं लगता, प्रोन के साथ टू लगता है, आपको इस बात का पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमें देखने के लिए मिला था, दे हैव बीन फियर्स प्रोटेस्टिंग, तो ये वर्ब है और वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब चाहिए, तो यहाँ पे फियर्स नहीं क्या आएगा, फियर्सली आएगा, आपको ये पता चला था। इसके बाद हमने जान पाया था द पार्टी इज क्लियरली काउंटिंग फॉर, तो काउंट फॉर नहीं काउंट ऑन, भरोसा करना, मिस्टर लूलास के प्रूवन पॉपुलैरिटी पर भरोसा किया है पार्टी ने, तो काउंट ऑन मतलब भरोसा करना। तो ये तो रहे कल के क्वेश्चन के आंसर्स, जिनके एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए थे तो मिले आपको। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जान पाएंगे कि कल जो हमने इतने सारे वोकैब सीखे थे, अब आज उसका क्विज भी होना चाहिए, है ना, आपको पता चलना चाहिए कि कल के क्वेश्चन में से आपको क्या क्या याद रह गया। तो आ चुका है, आपको बताना है क्वेश्चन स्क्रीन पर कि कुंभर सम का मीनिंग, कुंभर सम का सिनोनेम यानी कि पर्यायवाची क्या होता है, जल्दी से बता दीजिए, कुंभर सम का पर्यायवाची यानी कि सिनोनेम क्या होता है, आपको इस सवाल का जवाब मुझे देना है। और ऑप्शन जो है वो आ चुके हैं आपकी स्क्रीन पर, क्या इसका सिनोनेम होता है रेजिक, क्या इसका सिनोनेम होता है कंप्लायंस, क्रेडिटेबल, रेकॉन या फिर कॉम्प्लिकेटेड। जल्दी से इस सवाल का आंसर दीजिए और कहीं जाइएगा मत, क्योंकि आज बहुत बड़ा सरप्राइज आपके लिए वेट कर रहा है। जल्दी से बता दीजिए रेजिक, कंप्लायंस, क्रेडिटेबल, रेकॉन या फिर कॉम्प्लिकेटेड, इस सवाल का आंसर। और जी हाँ, आंसर आ चुका है तो हम बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर 5 इसका सही आंसर है, कॉम्प्लिकेटेड, कॉन्वोल्यूटेड या बहुत ज्यादा, जिसे हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं, उसका मीनिंग होता है, उसका सिनोनिम होता है कुंभरसम का। याद करने का तरीका भी बताया था, कंबल ओढ़कर काफी सारी प्रॉब्लम्स में घिर गए, है ना, ऐसा भी बताया था। इस तरह से रिजिक का मतलब रीअरेंज करना बताया था, कंप्लायंस का मतलब जो है अनुपालन बताया था, क्रेडिटेबल का मतलब प्रेजवर्दी बताया था, रेकॉन का मतलब बिलीव या थिंक या फिर कैलकुलेशन, कैलकुलेट करना, है ना, गणना करना, और नेक्स्ट कॉम्प्लिकेटेड तो आपको पता ही है। तो अब हम बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका और बढ़ जाएंगे जल्दी से नेक्स्ट सवालों की तरफ। और ओहो, ये रहे एडिटोरियल्स ऑफ द डे और आज के न्यूज़पेपर के एडिटोरियल, और अब ये रहा एक सरप्राइज आपके लिए। बिल्कुल स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एडिटोरियल का एक ओवरव्यू देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पर 2 पेजेस की बात करें, पेज नंबर 8 एंड पेज नंबर 9, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स और एडिटोरियल यहाँ पर दिए गए हैं। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, द लास्ट एंकोर की बात हम करें कि ये करुणा निधि के बारे में दिया गया है, वेलकम क्लाउड्स ये मौसम के बारे में जानकारी दी जा रही है इस आर्टिकल में हमें। और अगर हम 9 नंबर पेज पर देखते हैं यहाँ पर कि रिफॉर्मिंग ऑफ सिविल सर्विसेज, जी हाँ IAS की बात करें, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की बात करें, तो वहां पर क्या सुधार किए गए हैं इसके बारे में यहां पर जानकारी दी जा रही है, जिसके जस्ट बगल में आप देख पा रहे हैं डिकोडिंग दी DNA बिल, जी हाँ DNA बिल के बारे में भी आपको यहां पर जानकारी दी जा रही है। तो गाइस, और साथ ही साथ GST आपने पिछले लेक्चर, पिछले सेशन में भी रीड आउट किया था, उसी में फिर से अगर हम हिंदू की बात करें, द हिंदू ने अपने 8 नंबर पेज पर इसको दोबारा से उसके डाटास के बारे में पब्लिश किया है, डाटास के बारे में यहां पर बताया है। तो बिल्कुल हम यहां पर डाटा भी देखेंगे कि इस डेटास में क्या दिया गया है, GST के बारे में क्या चीजें जरूरी हैं आपको जानने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या चीजें हैं जो आपको यहां पर समझनी होगी। तो यहां पर सबसे पहले एक ओवरव्यू की बात कर लेते हैं, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की हम बात कर लेते हैं। IAS PCS आपने सभी ने आपका नाम सुना होगा, यहां पर एक ब्यूरोक्रेट है जिनका नाम है, आप यहां पर देख पा रहे हैं, अमिताभ भट्टाचार्य, जी हाँ जाने माने IAS ऑफिसर रहे हैं, फॉर्मर IAS ऑफिसर रहे हैं और यूनाइटेड नेशंस यानी कि UN में इस समय वर्किंग है। उनका अपना ये पर्सनल व्यू है जो कि दिया गया है, द लिटरल
एंट्री स्कीम हैज बीन पोटेंशियल टू ब्रिंग फ्रेश टैलेंट टू दी ब्यूरोक्रेसी। जी हाँ, ब्यूरोक्रेसी के लिए, नौकरशाही के लिए अगर हमें नया टैलेंट ढूंढना है, नए लोग ढूंढने हैं, हम सभी जानते हैं आईएसपीसीएस का एग्जाम होता है और स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है, लेकिन यहाँ पर एक लीक से हटकर यहाँ पर बात की जा रही है लेटरल इंक्री की, कि जो हमारे अनिता भट्टाचार्य हैं उन्होंने ये कहा है कि ये काफी अच्छी बात है और फ्रेश टैलेंट को यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है और उनको बढ़ोतरी होने से सरकार के कामकाज में भी सुधार होगा, जो कि देश की इकॉनमी और देश के कामकाज के लिए बेहतर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरी खबरों के ओवरव्यू को भी देखते हैं और उनकी डिटेलिंग के बारे में भी जानते हैं। जैसे कि आपने 8 नंबर पेज पर देखा है, वेलकम क्लाउड्स के बारे में भी एक खबर यहां पर दी गई है। वेलकम क्लाउड, जी हाँ, मौसम के बारे में यहां पर खबर दी जा रही है और खबर को अगर हम थोड़ा सा डीपली चेक करना चाहें तो यहां पर आपको मैंने हाईलाइट भी करके दे दिया है कि आपके एडिटोरियल्स में कौन सी ऐसी लाइंस हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको ये देखनी है कि वो आपके लिए बहुत ही जरूरी हो सकती हैं। तो यहां पर देख सकते हैं, असेसमेंट पुट आउट बाय द इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट जो कि पुणे में है, दैट इज साउथ वेस्ट मॉनसून विल बी नॉर्मल आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक कम्स एज अ रिलीफ। तो हम यहां जुलाई मंथ की बात कर रहे हैं जहां पर जो हमारा मॉनसून सिस्टम है वो हमारा नॉर्मल रहा है, बारिश सामान्य रही है। साथ ही साथ यहां पर यह भी दिया गया है, एक जुलाई का डाटा भी दिया गया है कि 25 जुलाई तक के डेटा की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर 384.7 mm यानी कि मिलीमीटर बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। और आगे अगर हम इसमें चीजें और देखें और डाटा इसमें हमें क्या दिया गया है, तो यहां पर गाइज एक कमेटी का नाम दिया गया है जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। यहां पर लिखा हुआ है नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स चेयर्ड बाय द साइंटिस्ट प्रोफेसर MS स्वामीनाथन। जी हाँ, MS स्वामीनाथन की यहां पर बात की जा रही है। ये वही MS स्वामीनाथन है जिन्हें भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन का फाउंडर या फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया जाना जाता है, मिस्टर MS स्वामीनाथन को। और आप सभी को पता ही होगा कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन दी वर्ल्ड हमारे नॉर्मन बारलोक साहब होते हैं। तो उनकी कमेटी, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है, तो उनके बारे में भी यहां पर जानकारी दी गई है। और लास्ट के लास्ट हाईलाइटेड पॉइंट को अगर हम देखें तो बताया गया है कि अगस्त के महीने में भी बारिश नॉर्मल रहने के आसार हैं, इसका अंदाजा लगाया है हमारे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर को भी देख लेते हैं। डिसेंट एंड डिप्लोमेसी पर आधारित एक आर्टिकल दिया गया है जिसके बारे में यहां पर आप हेडलाइन में देख सकते हैं कि सऊदी अरबिया और कनाडा के बीच में जो क्लासेस चल रहे हैं उनके बारे में यहां पर दिया गया है। थोड़ा सा और डिटेलिंग इसके बारे में हम जानेंगे अगले ही स्लाइड में, जो कि मैंने आपको यहां पर हाइलाइटेड पॉइंट के साथ दे दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो, ढूंढना ना पड़े और पूरा पैसेज आपको रीड आउट ना करना पड़े, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या डेटाज हैं वो आपको आसानी से हाइलाइटेड पॉइंट के साथ मिल जाए। तो बिल्कुल जैसे कि हम यहां पर देख पा रहे हैं, कनाडा और सऊदी अरबिया की बात करें, कुछ क्रिटिक्स चल रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स यहां पर चल रही हैं, आप इनको एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा। और यहां पर लिखा गया है, सेकंड पॉइंट आप यहां पर देख पा रहे हैं कि सऊदी अरबिया ने क्या किया है, आप यहां पर पॉइंट को पढ़िए, सऊदी अरबिया फेरियस रिस्पॉन्स टू कैनेडाज क्रिटिज्म टू द अरेस्ट राइट्स एक्टिविस्ट यानी कि मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को वहां पर गिरफ्तार किया गया है इन द किंगडम वंस अगेन कॉल्स इन टू क्वेश्चन क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। जी हाँ, कुछ समय पहले ही मोहम्मद बिन सलमान ने यह वादा किया था अपनी जनता से कि वो अच्छी चीजों, मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स को बढ़ावा देंगे, लेकिन हाल ही में एक गिरफ्तारी ये बताती है कि वो अपने वादों पर खरे नहीं उतर रहे हैं। और लास्ट में मैंने आपको एक हाईलाइटेड पॉइंट और भी दे दिया है जिसमें लिखा है सऊदी अरबिया हैज अलाउड वुमेन टू ड्राइव। जी हाँ, हाल ही में सऊदी अरबिया एक अकलौता ऐसा देश बना है जिसने महिलाओं को गाड़ी चलाने का अधिकार दिया है, महिलाओं के अधिकारों की बात हो रही है, मानवाधिकारों की बात हो रही है, लेकिन गिरफ्तारी कहीं ना कहीं यहां पर सही नहीं है, तो अपने वादों पर खरे नहीं उतर रहे, एक बार इसको भी आप रीड आउट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, और इसके बारे में हम अगर आगे डिस्कशन करें कि यहां पर बात हो जा रही है, इसी आर्टिकल के आगे हम बात करते हैं, स्पेल्ड टू कैनेडियन एम्बेसडर कॉल बैक इट्स इनोवा फ्रॉम ओटावा फ्रस्ट्रेटेड टू कैनेडा विल सेड It would transfer out some 12,000 Saudi citizen studying in Canada. तो यहां पर जो क्रिटिक्स चल रहे हैं, जो विवाद चल रहा है, उन विवादों को देखते हुए कनाडा भी क्या कर रही है, वहां पर जो सऊदी अरबिया के बच्चे या स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनकी यूनिवर्सिटीज में लगभग 12,000 उनको बाहर करने का रास्ता भी शायद दिखा दिया जाएगा। आगे के अगर हम आर्टिकल की बात करें, पेज नंबर 8 के आर्टिकल की बात करें, तो जैसा कि हम 2-3 दिनों से लगातार 2 दिनों से देख रहे हैं कि करुणा निधि 5 बार के चीफ मिनिस्टर की अगर हम बात करते हैं तो उनकी डेथ से जुड़ी हुई खबरें यहां पर दी गई हैं, उनसे जुड़ा हुआ एक आर्टिकल नारायण सर ने हमें यहां पर दिया हुआ है, तो आप एक बार और इसको रीड आउट कर सकते हैं। भारतीय राजनीति के लिए एक दुखद खबर रही, भारतीय राजनीति में सुन पैदा होता है, स्पेशली दक्षिण भारत की जो राजनीति है, तो एक बार इसको रीड आउट जरूर कर लीजिएगा। आई थिंक आप सभी को ये आर्टिकल्स की जो पिक्चर्स हैं क्लियरली विजिबल होंगी ताकि आपको इसको नोट डाउन करने में कोई दिक्कतें ना हो।
ये इस बात का हमने इस आर्टिकल में खास ध्यान रखा है, इस सेशन में खास ध्यान रखा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैम की तरफ हम रुख करते हैं, और मैम आपको बताएंगे कि इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज यहां से आपके लिए क्या बन सकती है दोस्तों। तो भाई देखिए, अब अगर आपको जीए गुरु के द्वारा बताई गई सारी चीजें अच्छी सी पसंद आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं, और आपको हर चीज क्लियर होती जा रही है, तो लाइक करना बिल्कुल भूलिए मत, और जरूर बताइए कि आपको सेशन में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। राइट, आपके लाइक्स भी बताएंगे, आपके कॉमेंट्स भी बताएंगे कि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और अब जो आर्टिकल आज हमने चूज किया, जैसे आज हमने जीएसटी वाला आर्टिकल चूज किया, आज हमने डीएनए के अंदर जो एनालिसिस किया है ऑथर ने उसको चूज किया, तो आज उसकी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी की तरफ भी चल देते हैं। तो ठीक है, फिर पहली वोकैबुलरी जो हमारे लिए सेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लिखती जाऊंगी, आप मेरे साथ लिखते जाएगा ताकि आपको तुरंत यहां पर याद होता चला जाए। ठीक है, साथ में लिखते जाएगा। फर्स्ट वोकैबुलरी इज डिमिनिश, इजी सा वर्ड है, आपको पता है कम करना इज अ वर्ब, डिक्रीज, डिक्लाइन, रिड्यूस, जिसको हम कहते हैं घटाना या घटा देना, ये एक वर्ब होता है, याद रखिए, साथ में लिखते जाइए, याद होता जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, शॉर्टफॉल, शॉर्टफॉल क्या होता है, शॉर्टफॉल नाउन होता है जिसका मतलब होता है डेफिशिएंसी, डेफिशिट आपका बहुत ज्यादा सुना हुआ है, जैसे आपने डेफिशिट में भी सुना है, फिस्कल डेफिशिट्स होते हैं, बहुत कुछ होता है ना, एंड देन शॉर्टेज होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कह देते हैं कमी। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं नेक्स्ट वोकैबुलरी की तरफ, वो है एविडेंटली, साथ में लिखते चले जाइए एविडेंटली, ये एक एडवर्ब होता है जिसका मतलब होता है क्लियरली, प्लेनली या फिर ऑब्वियसली, आपने देखा कि एलवाई लगा है तो एडवर्ब है ना, और इसका मतलब होता है स्पष्टतः या फिर स्पष्ट रूप से, जिसको हम क्या कह देते हैं, जिसको हम कह देते हैं एविडेंटली, यानी कि आप बोलते होंगे ना बात बात में, ऑब्वियसली एग्जाम तो मैं दूंगा ही, ऑब्वियसली पीओ तो मैं बनूंगा ही, ऑब्वियसली या बनूंगी ही मैं, है ना, तो वही एविडेंटली भी उसी का एक सिनोनिम है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आता है डिफाई करना, डिफाई करना मतलब किसी चीज को डिसअबे करना, तो आपको पता है डिसअबे करना तो एक बहुत जनरल सा वर्ड है, आप हमेशा से यूज ही कर रहे हैं, डिसरिगार्ड करना कि किसी चीज को सुनना नहीं, मानना नहीं है, उसको इग्नोर कर देना, है ना, तो इसका मतलब होता है अवज्ञा कर देना, उपेक्षा कर देना, जिसको हम कह देते हैं डिफाई, और डिफाई क्या होता है, डिफाई इज अ वर्ब, डिफाई इज अ वर्ब। नाउ नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट इज लिवाय, लिवाय आपको भी पता है अगर नाउन होता है, लिवाय नाउन होता है तो उसका मतलब टैक्स होता है, लेकिन जब ये वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है इम्पोज करना, चार्ज करना या फिर एक्सट्रैक्ट करना, यानी कि लगाना, कहते हैं ना इम्पोज अ टैक्स, टैक्स लगाना, तो जब ये वर्ब होता है इसका मतलब होता है लगाना, इम्पोज करना या फिर चार्ज करना, जिसको हम लिवाय कहते हैं। ध्यान से पढ़ते जाइए ताकि नेक्स्ट डे का क्विज आप सबसे पहले सॉल्व कर पाए। इंटीग्रेटेड एक एडजेक्टिव होता है विच मीन्स यूनाइटेड, कोहेरेंट या फिर होमोजीनियस, यूनाइटेड, कोहेरेंट या फिर होमोजीनियस। कोहेरेंट आपने देखा भी होगा डायरेक्शंस में लिखा रहता है कि कोहेरेंट मीनिंग बनना चाहिए पैसेज का, जिसको हम कहते हैं एकीकृत, होमोजीनियस मिक्सचर भी होते हैं, है ना, और यूनाइटेड मतलब इंटीग्रेटेड, साथ में, एक साथ, एक जैसा, एकीकृत। नेक्स्ट बढ़ जाइए, नेक्स्ट वो क्या जो मिलेगी, वो मिलेगी टेक ऑफ, टेक ऑफ क्या होता है, एक फ्रेजल वर्ब होता है, आपको पता है प्लेन वगैरह, ऑटोमोबाइल जैसी चीजें होती हैं वो टेक ऑफ कर जाती हैं ना, मतलब जो है जमीन से लैंड कर जाती हैं, लेकिन टेक ऑफ का एक दूसरा मीनिंग भी होता है, इसका मतलब होता है प्रॉस्पर करना, फ्लरिश करना या फिर थ्राइव करना, प्रॉस्पर, फ्लरिश या फिर थ्राइव करना, एक बार थ्राइव आया था तो आप लोग पूछ भी रहे थे कि थ्राइव का मीनिंग क्या होता है ना, तो इसका मतलब वही होता है कि किसी चीज का सफल हो जाना, जिसको हम टेक ऑफ करना कह देते हैं ना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, ओवरशूट, ओवरशूट कोई बात है, आप ओवर से ही याद कर सकते हैं, ओवर मतलब ज्यादा हो गई, हद से ज्यादा हो गई, तो ये एक वर्ब हो गया कि किसी भी फिनेंशियल टारगेट को, जो आर्थिक टारगेट मिला था वो, या कोई भी ऐसी लिमिट जो होती है उसको एक्सीड कर जाना, उसको पार कर जाना को हम कह देते हैं क्या कर देना, लक्ष्य से बाहर निकल जाना, उसको हम कह देते हैं ये चीज क्या कर गई, ओवरशूट कर गई ना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, ऑल राइट, आर्बिट्रेज इज अ वर्ड, आर्बिट्रेज नाउन होता है ना, आर्बिट्रेज एक नाउन होता है जिसका मीनिंग होता है ऋण पत्र का क्रय विक्रय, मतलब बराबर से साइमल्टेनियसली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, करेंसी और कमोडिटीज इन डिफरेंट मार्केट्स, एक ही कमोडिटी को, एक ही चीज को, एक ही एसेट को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पे खरीदा बेची करना, आर्बिट्रेज के बेस पर, ऋण पत्र के बेस पर उनकी खरीदा फरोखी करना, उस पर डिफरेंट डिफरेंट बायर्स और कस्टमर से डिफरेंट डिफरेंट फायदा और लेना, एक पॉलिटिकल लैंग्वेज में, एक इकोनॉमिकल लैंग्वेज हमें बेसिकली कहना चाहिए, इकोनॉमिकल लैंग्वेज में जो यूज करते हैं उसको हम कह देते हैं आर्बिट्रेज, और आर्बिट्रेज एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है ऋण पत्र का क्रय विक्रय। नेक्स्ट देखिएगा, कॉन्वोल्यूटेड, कॉन्वोल्यूटेड एक एडजेक्टिव होता है विच मीन्स कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स या फिर इंटीग्रेट,
इंट्रिकेट है ना, कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स या फिर इंट्रिकेट जिसको हम कह देते हैं जटिल, ये एक एडजेक्टिव होता है। साथ में लिखते जाएंगे याद होता जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड आपने कल पूछा था मैम व्हाट इज दिस थ्रेशोल्ड ऑल अबाउट, तो भाई थ्रेशोल्ड के बारे में जान लीजिएगा। थ्रेशोल्ड एक नाउन होता है। अब इसके दो मीनिंग होते हैं, एक तो मैंने आपको कल बताया था किसी चीज का स्टार्टिंग पॉइंट या किसी चीज की बिगनिंग, उसको हम कहते हैं शुरुआत, है ना, जिसको हम कहते हैं शुरुआत, वो थ्रेशोल्ड होता है। और एक थ्रेशोल्ड का दूसरा मीनिंग भी निकलता है, वो क्या होता है, द लेवल और स्टेज दैट मस्ट बी एक्सीडेड फॉर अ सर्टन रिजल्ट और कंडीशन टू अकर। कोई रिजल्ट या कोई कंडीशन, कोई परिस्थिति प्राप्त करने के लिए एक लिमिट जिसको कि हमें पार करना ही करना होता है, उस लिमिट को भी हम थ्रेशोल्ड कहते हैं। कि अगर हमें 16 रुपए का फायदा चाहिए तो कम से कम अगर हमारी कंपनी को एक महीने में इतना आंकड़ा पार करना है तो एक कमोडिटी पे हमें 16 रुपए का फायदा चाहिए ही चाहिए। है 10 रुपए की और बिकनी 16 रुपए से कम में नहीं चाहिए, तो जो ये 16 रुपए का आंकड़ा पार करते हुए लोग इस चीज को खरीदेंगे, इसको भी हम थ्रेशोल्ड लिमिट कहते हैं। कि एक स्टेज, एक रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए एक पर्टिकुलर लेवल का पार कर जाना कहलाता है थ्रेशोल्ड करना। राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इन लिए ऑफ, आपको भी पता है ये एक इडियम होता है जिसका मतलब होता है के बदले में, है ना, के बदले में, जिसको आप इंस्टेड ऑफ कहते हैं। भाई इंस्टेड ऑफ तो बचपन से बोल ही रहे हैं, पता ही है आपको, है ना, इन प्लेस ऑफ ये भी सुना है। अब इसके बाद बदले में जो वर्ड यूज हुआ है, जो इडियम मुहावरा यूज हुआ है, उसको हम कहते हैं इन लिए ऑफ, के बदले में, के स्थान पर। और नेक्स्ट इज कंकर करना। कंकर करना मतलब क्या कर देना, राजी हो जाना, अग्री कर लेना, बी इन अकॉर्ड, और गो अलोंग जिसको हम कहते हैं सहमत हो जाना। साथ में लिखते जाएंगे, आराम से याद होता चला जाएगा, ठीक है। चलिए अब जल्दी से बढ़ जाते हैं पैराग्राफ की तरफ और जान लेते हैं जीए गुरु से क्या है इंपॉर्टेंट इस एस्पेक्ट में जीए के लिहाज से। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच मैम। गाइस हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो हमारे लिए बहुत ही डीपली जानना जरूरी है। मैम का मैं बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने पहले ही वोकैब्स के बारे में आप लोगों को बता दिया है ताकि आप लोग आसानी से आगे के पैसेज को समझ पाएं। जैसे कि हम यहां पर देख रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा था कि जीएसटी से जुड़ा हुआ एक और हमें यहां पर आर्टिकल देखने को मिला है, गोइंग टू बी गोइंग बाय द नंबर। जी हाँ, जीएसटी के बारे में पूजा मेहरा की रिपोर्ट है, पूजा मेहरा ने इस आर्टिकल को दिया हुआ है, तो थोड़ा सा इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। आई थिंक आप लोगों ने जीएसटी के बारे में पहले भी डिस्कस किया होगा और जीएसटी के बारे में आपको पहले से भी जानकारी होगी। तो गाइज पहली बात मैं बोलकर शुरुआत से आपको बता देता हूं कि जीएसटी को हमारे देश में लागू किया गया था ऑन 1st July 2017 को। आप सभी को इसके बारे में मालूम होगा जिसके अंदर अभी अभी 5 टैक्स स्लैब काउंट की जा रही हैं। और जीएसटी के बारे में जो डिटेलिंग इस न्यूज़पेपर में हमें दी गई है उसके अनुसार अगर हम डिस्कशन इसको करें तो मैंने यहां पर आपको हाइलाइटेड पॉइंट्स दे दिए हैं ताकि आप आसानी से जीएसटी के पॉइंट्स को देख सकें। जैसा कि पूजा मेहरा ने इस आर्टिकल में लिखा है, जैसा कि हम यहां पर देख पा रहे हैं, अ मेंबर ऑफ जीएसटी काउंसिल एस्टिमेट अ शॉर्टफॉल इन द अप्रैल जून क्वार्टर फॉर दिस ईयर एट 43,000 करोड़। जी हाँ, जैसा कि आपने शायद सुना भी होगा इस बारे में कि इस समय जो 5 जीएसटी की टैक्स लैब हैं, मैं अपने स्टूडेंट से देखना चाहूंगा कि क्या आप लोगों को उन 5 की 5 जीएसटी टैक्स लैब के बारे में जानकारी है या नहीं। मैं जानना चाहूंगा, आप 5 की 5 जीएसटी टैक्स लैब को कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तब तक मैं इस जो आपका आर्टिकल है उसको मैं डिफाइन करता हूं। जीएसटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपने हाल ही में सुना होगा कि जीएसटी की इन 5 टैक्स स्लैब को घटाकर 3 करने का भी प्रयास किया जा रहा है और एक रिपोर्ट दी गई है यहां पर जीएसटी काउंसिल के माध्यम से कि इस साल का जो जीएसटी है वो लगभग लगभग अप्रैल और जुलाई की अगर हम बात करते हैं 43,000 करोड़ के शॉर्टफॉल की बात यहां पर की जा रही है, एस्टिमेशन यहां पर बनेगा। दूसरा जो हमारा हाईलाइटेड पॉइंट्स है उस पर आप लोग गौर फरमाइए, द कॉन्स्टिट्यूशन इंपावर्स द सेंट्रल टू टैक्स सेल्स Anywhere nationally, but it allow a state to collect tax only on sales within its territory. यहाँ पर साफ दिया गया है कि संविधान के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स, सेल्स टैक्स की यहाँ पर बात की जा रही है, लगाने की अधिकार दिया गया है, लेकिन उसको वसूल करना, उसको पेमेंट उसका रिसीव करना, ये राज्य सरकार की यहाँ पर बात की जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ छोटी छोटी एक्रोनिम्स हैं, उनको हम थोड़ा सा एक बार डिटेल में डिस्कशन जरूर करेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा है CGST, गाइस यहां पर आप नीचे देख पा रहे हैं सीजीएसटी का वर्ड यहां पर दिया गया है, तो आपको इसका फुल फॉर्म हमेशा याद रखना होना चाहिए। सीजीएसटी फुल फॉर्म सेंट्रल जीएसटी यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जी हाँ, और एसजीएसटी का अर्थ आपका हो जाएगा स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसी के साथ ही साथ अगर हम आगे डिस्कशन करें इसी आर्टिकल में, तो जैसे यहां पर आप देख पा रहे हैं साइड में कि आईजीएसटी की बात यहां पर की जा रही है,
द फुल फॉर्म ऑफ आईजीएसटी इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नाम से भी जाना जाता है। और एक जो टैक्स यहां पर नहीं दिया गया है जो कि जीएसटी के दायरे में आता है, उसे हम बोलते हैं यूटीजीएसटी। जी हाँ, यूटीजीएसटी यानी कि जो हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं वो जो टैक्स लगाएंगी और रिसीव करेंगी वो आपका हो जाएगा यूनियन टेरिटरीज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो आई थिंक आपको इस स्लाइड में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे कि जीए के एक्सपेक्ट से यहां पर इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी एक्सपेक्ट में और देखते हैं और क्या क्या चीजें यहां पर जीएसटी के दायरे के लिए आपको दी गई है। जैसे कि मैं यहां पर देख पा रहा हूं, पहला जो हाईलाइटेड पॉइंट आप यहां पर देख पा रहे हैं, The IGST ought to be imposed as a substitute for this SGST. SGST mean, अभी हमने डिस्कस किया था, States Goods and Services Tax, and IGST mean, अभी हमने डिस्कस किया था, Integrated Goods and Services Tax और Inter States Goods and Services Tax, such that the GST equals the SGST plus CGST फॉर इंफ्रा स्टेट। यहां पर एक वर्ड यहां पर दिया गया है, मैं चाहता हूं आप लोग इसके बारे में अच्छे से देख लें एक बार। यहां पर दिया गया है इंट्रा स्टेट सेल्स। इंट्रा स्टेट सेल का मतलब हो जाएगा अगर कोई वस्तु प्रोड्यूस होती है, उसका प्रोडक्शन होता है विद इन द स्टेट और उसकी सेलिंग भी विद इन स्टेट होती है। अगर कोई वस्तु कानपुर में प्रोड्यूस होकर लखनऊ में बेची जाती है विद इन द बाउंड्री ऑफ द स्टेट, तो ये हो जाएगा इंट्रा स्टेट ट्रेड। सीधा सा अर्थ हो जाएगा राज्य के भीतर ही उत्पादन और राज्य के भीतर ही सेलिंग। और साथ ही साथ आप इसी सेकंड इसी पैसेज के लास्ट में देख पा रहे हैं इंटर स्टेट ट्रेड। आई थिंक आप इसका अर्थ समझ गए होंगे, जब कोई वस्तु किसी दूसरे राज्य में उत्पादित की जाएगी और किसी दूसरे राज्य में बेची जाएगी तो वो इंटर स्टेट सेल्स के तहत आएगी। तो आई थिंक यहां पर ये पॉइंट्स आपको आसानी से क्लियर हो चुके होंगे जो इस आर्टिकल में बताए जा रहे हैं। तो चलिए गाइस आगे देखते हैं और आपके लिए क्या है इस अगली स्लाइड में जो आपको एडिटोरियल की स्लाइड में मिलेगी। तो यहां पर एक और चीज दी गई है जो कि मुझे लगता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहां पर लिखा है द रिकमेंडेशन फॉर Introducing the GST had first come in 2004. बिल्कुल, ये GST की शुरुआत की बात हो रही है, ओरिजिन की बात हो रही है कि GST की शुरुआत कब की गई या GST की उत्पत्ति कब हुई। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि टास्क फोर्स फॉर्म बाय द वाजपेयी गवर्नमेंट, जब वाजपेयी गवर्नमेंट की सरकार थी तब एक कमेटी बनाई गई थी, नाम था विजय केलकर कमेटी। तो ये पॉइंट आप याद रख लीजिएगा, जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत जरूरी है। मेरी तरफ से इतना ही, अब हम देखते हैं मैम आपको इसके आगे इसके बारे में आपको क्या बताना चाहेंगे। भाई यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज जब जानने के लिए मिली और जीएसटी के बारे में आपने इतनी सारी चीजें पढ़ी तो आपको ये पता चला कि जो यहाँ पे ऑथर हैं वो बहुत ज्यादा खुश नहीं है प्रोसेसेस से और वो बता रहे हैं कि कितनी तरह से पॉइंट्स जो हैं वो कम हुए हैं, ठीक है, और कितना जो लेवल है उसमें कितना डिक्रीज हुआ है, कितना शॉर्टफॉल हुआ है चीजों में, कि मतलब जब 27 जुलाई से सेंट्रल गवर्नमेंट ने टैक्स रेट्स में कटिंग की है तब से रेवेन्यूज में भी काफी नुकसान हुआ है। तो पहले तो आप क्या कीजिए कि जब वो इतनी सारी आलोचनाएं कर रही हैं तो जाहिर सी बात है इस पैराग्राफ की टोन कैसी है, क्रिटिकल टोन है, बहुत ज्यादा सेंसोरियस टोन है, आलोचनात्मक टोन है। उन्होंने इसका इस मूव का वेलकम नहीं किया, उन्होंने कहा कि इस वजह से काफी नुकसान देखने के लिए मिल रहा है। अब हम इस पैराग्राफ के ग्रामर रूल्स पर आएंगे लेकिन पहले रूट वर्ड जैसे एंटे है, आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्लाइड में देखिए आपको रूट वर्ड में मिला है एंटे। एंटे का मतलब होता है पहले या फिर सामने से, जैसे एंटीसीड का मतलब क्या होता है, समय से पहले किसी चीज का हो जाना एंटीसीड कहलाता है, ठीक है। एंटी मेरिडियन, सुबह को मैंने आपको बताया था सुबह एएम का टाइम होता है, एएम की फुल फॉर्म क्या होती है, एएम की फुल फॉर्म होती है बिफोर नून, नून से पहले, आपको पता है 12 बजे के पहले का टाइम एएम होता है क्योंकि एंटे लगा होता है उसमें भी। उसी तरह से एंटे रूम का मतलब क्या होता है ना इन फ्रंट सामने, तो इसका मतलब यही हुआ मेन रूम के सामने वाला रूम एंटे रूम कहलाता है। एंटीसीडेंट, हमारे पूर्वजों को हमारे एंसेस्टर्स को हम एंटीसीडेंट कहते हैं, राइट। एंटेबेलम क्या होता है, यूएसए में बेसिकली ये वर्ड यूएसए की वॉर के लिए है लेकिन अब हम किसी भी विशेष वॉर की बात करें तो वहां पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वॉर से पहले जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं उसको हम कहते हैं एंटेबेलम, है ना। आई होप आपको एंटे से अभी और हजारों वर्ड्स मिल जाएंगे जब आप सर्च करेंगे और आपको बहुत कुछ नया सीखने जानने के लिए मिलेगा। चलिए अब ग्रामर रूल्स की बात करते हैं। तो देखिए ग्रामर रूल्स में हमको पता होना चाहिए कि हम किन किन चीजों को देखेंगे। हैज हैव हैड के साथ आपको पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये रहा हैज हैव हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। एक्सेप्ट नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, एक्सेप्टेड लिखा हुआ है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से यहाँ पर हैज हैव हैड के साथ हैज कंसल्टेड लिखा हुआ है, हैज कंसल्ट नहीं लिखा है। याद रखिएगा हैज हैव हैड हमेशा अकेले आता है, ठीक है।
नेक्स्ट लिखा हुआ है, जब भी आप बात करेंगे कि किसी के द्वारा कोई काम हुआ है और किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट के द्वारा, तो उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट से पहले दा लगता है। जब किसी विशेषीकृत पैनल की बात होती है, विशेषीकृत योजना, विशेषीकृत सरकार की बात होती है, तो उससे पहले दा लगता है, दा लग गया। और आपको पता है कि उनके द्वारा, द्वारा है तो यहाँ पर क्या लगता है, बाय लगता है। द्वारा होता है तो क्या लगता है भाई, बाय लगता है, इसका ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम वोकैबुलरी की बात करेंगे तो वोकैबुलरी के लिए हमारे पास बहुत कुछ जानने के लिए, राइट, जैसे कि हमको पता चल रहा है कि इस सपोज्ड माना जाता है टू बी फुली सेट ऑफ, कि अब ये पूरी तरीके से शुरू हो जाएगी, पूरी तरीके से लागू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर सेट ऑफ जो है वो फ्रेजल वर्ब की तरह से इस्तेमाल हुआ है, और उसके उसके पहले क्या लगा है, आपको पता है वर्ब से पहले हमेशा क्या आता है, एडवर्ब आता है, इसलिए यहाँ पर फुल नहीं लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर फुली लिखा हुआ है ना। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर फुल नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर फुली लिखा हुआ है, इससे इस चीज का फोकस करेगा, इन चीजों पर फोकस रखेगा। फिर आप जब देख रहे हैं तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर स्टेट की बात हुई है ना, स्टेट की बात हुई है, तो सिंगुलर एंटिटी है, ज्यादा प्लूरल तो है नहीं, तो इसलिए उसके साथ आने वाला वर्ब भी कैसा है, सिंगुलर है ना, आने वाला वर्ब भी सिंगुलर है। आपको पता है जब थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात होती है तो वहां पे हम सब्जेक्ट के तौर पर इट का प्रयोग करते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात होती है वहां पर हम सब्जेक्ट के तौर पर इट का इस्तेमाल करते हैं, हमने कर दिया, और इट के साथ आने वाला वर्ब भी कैसा होता है, सिंगुलर होता है, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हम इट लगाते हैं, तो आने वाला वर्ब भी कैसा होता है, सिंगुलर होता है, इसलिए यहाँ पर इंक्लूड नहीं लिखा है, क्या लिखा हुआ है, इंक्लूड्स लिखा हुआ है, ध्यान देते जाइएगा। कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड सारे मॉडल्स कहलाते हैं, और हर मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसी तरह से यहाँ पर भी कैन के बाद टेक लिखा हुआ है, कैन टुक, कैन टेकन, कैन टेक्स, कैन टेकिंग नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा, इसलिए हमने यहाँ पर कैन टेक लिखा हुआ है। आई होप आपको इतनी सारी बातें समझ में आई हैं, ठीक है, आई होप आपको इतनी सारी बातें समझ में आई हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की वोकैबुलरीज की तरफ आ जाते हैं। अब आपको पता है कि हमने डीएनए के बारे में बात करी थी, कि डीएनए के एनालिसिस के बारे में बात हुई है, कि डीएनए के एनालिसिस में ऑथर की क्या राय है, ऑथर अपनी तरफ से क्या कहने चाहते हैं, कि अभी इंडिया में क्या हो रहा है। आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं सेट ऑफ का मीनिंग क्या होता है, तो मैंने आपको बताया सेट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को स्टार्ट करना, शुरू करना, कोई भी प्रोसेस हो उसको स्टार्ट करना, है ना। तो वहां पे लिखा ना फुली सेटअप, तो माना गया है कि वो प्रोसेस जो है पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुकी है, वो पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। अब चलिए नेक्स्ट वोकैब आर्टिकल की वोकैब की तरफ आ जाते हैं, और वो ये रही, सबसे पहला वर्ड आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, वो है सेफगार्ड। आपको भी पता है सेफगार्ड, सेफ से भी समझ में आ जाएगा, गार्ड से भी समझ में आ जाएगा, प्रोटेक्शन, डिफेंस या फिर गार्ड, ये एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है प्रोटेक्शन, सुरक्षा का उपाय, चाहे आप इसे प्रोटेक्शन कहें, चाहे आप इसे डिफेंस कहें, या फिर आप इसे गार्ड कहें, राइट, ये क्या होता है, ये सुरक्षा का उपाय। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट है मिसकैरेज। मिसकैरेज एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है रुइन, रुइनेशन, कोलैप्स, ब्रेकडाउन, रूइन कहिए, चाहे रुइनेशन कहिए, चाहे कोलैप्स कहिए, या ब्रेकडाउन कहिए, कोलैप्स कहते ही आप समझ गए इसका मीनिंग होता है नाश हो जाना, खत्म हो जाना, बर्बाद हो जाना, बेकार हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है प्रीरिक्विसाइट। आपको भी पता है रिक्विसाइट मतलब होता है मैंडेटरी, जो जरूरी हो, है ना, तो एडजेक्टिव हो गया प्रीरिक्विसाइट। नेसेसरी कहते हैं, नीडेड कहते हैं, या एसेंशियल कहते हैं, जो जरूरी होता है, नेसेसरी होता है, नीडेड या एसेंशियल होता है, उसे हम प्रीरिक्विसाइट कहते हैं, और ये एक एडजेक्टिव होता है। नेक्स्ट देखिए एक्जाकर्बेट, एक्जा बढ़ा दिया, एकर, एकर का मतलब खुद ही एकर्बिक आ गया, नेगेटिव आ गया, तोड़ लीजिए, तो ब्रेक एंड रूल की पॉलिसी पे काम करना शुरू करिए, एक्जा ज्यादा एग्जाजरेट कर दिया, और एकर्बिक और ज्यादा उसको खराब कर दिया, है ना। तो एक्जाकर्बेट एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है बढ़ा देना, एग्रावेट कर देना, इंटेंसिफाई करना, और ऑगमेंट करना, जिसको हम कहते हैं बढ़ाना, एग्रावेट करना, इंटेंसिफाई करना, या फिर ऑगमेंट करना, जिसको हम कह देते हैं बढ़ाना। अगर आपको वोकैबुलरी में कुछ नया सीखने के लिए मिल रहा है तो लाइक करना भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट देखिए एक्रीडेशन। आपको पता है लास्ट में आईओएन लगा है तो क्या होगा, नाउन ही होगा, पार्ट ऑफ स्पीच के साथ तो अब आप खेल भी सकते हैं, क्योंकि आप इजिली रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, है ना। तो एक्रीडेशन का मतलब हो गया किसी भी चीज को मान्यता दे देना, है ना, द प्रोसेस ऑफ ऑफिशियली रिकॉग्नाइजिंग Someone as having a particular status. किसी व्यक्ति का, किसी प्रोसेस का, किसी संस्था का समाज में क्या स्थान है, या ये पर्टिकुलरली इसी चीज के लिए जाने जाते हैं, इन्होंने ये इस फील्ड में अपने योगदान किए हैं, तो ये करके उसको मान्यता दे देना ऑफिशियली, उसको हम कहते हैं मान्यता या फिर एक्रीडेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपको क्या मिलेगा, नेक्स्ट इज कॉन्टामिनेट।
आपको भी पता है वाटर कॉन्टामिनेशन होता है ना, तो कॉन्टामिनेट इज अ वर्ब विच मीन्स पॉल्यूट एडल्टरेट, यानी कि दूषित कर देना, प्रदूषित कर देना, कॉन्टामिनेट कर देना, ठीक है। कॉन्टामिनेट वर्ब होता है, कॉन्टामिनेशन ION नाउन होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए कंसेंट। कंसेंट तो आप भाई पिछले 2-3 दिनों से पढ़ ही रहे हैं, कंसेंट के साथ करना नाउन होता है, जिसको हम अग्रीमेंट कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, अग्रीमेंट कहते हैं, जिसको हम एसेंट कहते हैं और जिसको हम कंकरेंस कहते हैं। जिसको हम अग्रीमेंट कहते हैं, एसेंट कहते हैं और कंकरेंस कहते हैं, उसको हम कंसेंट कहते हैं। जनरली जब कौन लग जाता है ना वर्ड्स में, जनरली तो वो सहमति की तरफ इशारा करते हैं कि मिल बांट के कोई काम हुआ होगा, एक साथ मिलके कोई काम हुआ होगा, तो उसको हम सहमति कहते हैं, कंसेंट कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या जान पाएंगे आप, नेक्स्ट वोकैबुलरी आपको मिलेगी वन ऑफ। वन ऑफ वोकैब नहीं है, सिर्फ नाउन नहीं है, ये एक मुहावरा होता है, ये एक मुहावरा होता है जिसका मतलब होता है किसी चीज का जो सिर्फ एक बार होती है। ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई प्रोसेस जो सिर्फ एक बार होती है उसे हम कहते हैं वन ऑफ, जो बार बार नहीं होती है, जो रेगुलरली नहीं होती है। नेक्स्ट इज स्क्रूटनी। आपको भी पता है किताबों में, एग्जाम में होती है स्क्रूटनी कई बार, तो स्क्रूटनी मतलब नाउन होता है, TINY, INY लग जाए तो नाउन होता है, क्लियर सी बात है, जिसका मतलब होता है इंस्पेक्शन, सर्वे या फिर स्कैन, यानी कि समीक्षा जिसे हम कहते हैं, निरीक्षण जिसे हम कहते हैं, उसे हम स्क्रूटनी कहते हैं, और ये बहुत ज्यादा क्लियर पार्ट ऑफ स्पीच है कि ये नाउन है, ठीक है। अब आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जिनको जानने थे, ऑरिडियम्स फ्रेजेस जिनको जानने थे, वो आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट आपको याद हो जाए, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये कहीं मिस ना हो जाए, आपसे कहीं छूट ना जाए, इसको लिखते जाइए साथ के साथ में, याद करते जाइए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, और लेते ही स्क्रीनशॉट मुझे बताइएगा, तब तक मैं आपको समझा देती हूं। वो व्यक्ति जो दूसरे लोगों को अवॉइड करता है, किसी के साथ रहना नहीं पसंद उसे, उसे अकेले ही रहना पसंद है, उसे दूसरों के साथ पसंद ही नहीं है, उस इंसान को हम बैरागी कहते हैं, एकांतवासी जिसे हम हिंदी में कहते हैं, उसके लिए अंग्रेजी का वर्ड है रेक्ल्यूज, उसके लिए अंग्रेजी का वर्ड है रेक्ल्यूज, जिसे दूसरों की संगति, जिसे दूसरों का साथ पसंद नहीं है, वो कहलाता है रेक्ल्यूज। नेक्स्ट कहलाता है, आंसर आ गए हैं, मैम स्क्रीनशॉट ले लिया, मैम स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके वेरी गुड। नेक्स्ट आ गया एक मुहावरा, अ मेयर्स नेस्ट। आपको पता है मेयर कौन होता है, जो हॉर्स होता है ये उसका फेमिनाइन वर्जन होता है, तो आपको पता है भाई हॉर्स तो कभी नेस्ट बनाएगा नहीं, हॉर्स तो कभी घोंसला बनाएगा नहीं, तो यानी कि एक ऐसी खोज जो कि झूठी खोज है, किसी चीज की झूठी खोज करना कहलाता है अ मेयर्स नेस्ट, आपको याद हो गया आसानी से। नेक्स्ट है एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। अभी जल्दी में ही अगर आप किसी बहुत बड़ी फेमस सेलिब्रिटी का इंटरव्यू सुनिए तो उन्होंने भी इसका यूज किया हुआ है, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट उन्होंने ही बोला अपने इंटरव्यू में, तो काफी ज्यादा इस वक्त ये इंटरनेट पर ट्रेंडिंग भी है, जिसका मतलब होता है विलिंग टू डू समथिंग इमीडिएटली, किसी काम को करने के लिए एकदम आतुर रहना, एकदम उसका मन कर जाना कि ये तो करना ही करना है ना, तो willing to do something immediately, किसी को एक किसी काम को एकदम से करने की इच्छा जो है उसका मतलब होता है at the drop of a hat। अब जल्दी से इसके important GA aspects जान लेते हैं GA गुरु से। Thank you very much ma'am। यहाँ पर अगर हम बात करें कि GA के aspects से क्या क्या चीजें आपके लिए हो सकती है, तो यहाँ पर एक बिल की बात की जा रही है, डिकोडिंग दी DNA बिल, हेलन विलिंस करके नाम है इन राइटर का, जिन्होंने इसके बारे में हमें बताया है, तो क्या इंपॉर्टेंट यहां से आपके लिए हो सकता है, थोड़ा सा हम इसके बारे में देख लेते हैं। हेडिंग है डिकोडिंग दी डीएनए बिल। जी हाँ, यहां पर मैंने हाइलाइटेड पॉइंट्स आपके लिए रख दिया है, जो कि जीए के एक्सपर्ट से काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। दी डीएनए टेक्नोलॉजी यूज एंड एप्लीकेशन रेगुलेशन बिल 2018 हैज बीन इंट्रोड्यूस इन दी इंडियाज पार्लियामेंट दिस वीक विद अ व्यू टू क्रिएटिंग अ नेशनल डीएनए डेटाबेस फॉर सॉल्विंग क्राइम्स एंड आइडेंटिफाइंग अ मिसिंग पर्संस। शायद आपने कभी ये सुना हो कि अमेरिका और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पर जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं उनका डीएनए रिकॉर्ड रखा जाता है, उनके फिंगरप्रिंट्स, उनके रेटिना स्कैन, ये सारी की सारी चीजों को डेटाबेस में रखा जाता है, ताकि कभी किसी भी तरह का क्राइम होता है तो डीएनए डेटाबेस से जाकर हम उस क्रिमिनल के बारे में आसानी से जानकारी जुटा सकते हैं। तो आई थिंक यहां पर डीएनए टेक्नोलॉजी यूज एंड एप्लीकेशन रेगुलेशन बिल 2018 की बात की जा रही है, तो थोड़ा सा आपको इसके बारे में जान लेना चाहिए। साथ ही साथ इसी आर्टिकल में डिकोडिंग ऑफ द डीएनए बिल हम बात कर रहे हैं, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इस पूरे आर्टिकल में एक और बहुत ही जरूरी चीज है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, द बिल्स प्रपोज्ड डीएनए रेगुलेटरी बोर्ड। जी हाँ,
यहां पर साफ लिखा हुआ है कि डीएनए रेगुलेटरी बोर्ड बनाने की बात की जा रही है इज स्टिल टू पावरफुल एंड अनसफिशिएंटली ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल एंड इंडिपेंडेंट एथिक्स बोर्ड बनाया जाएगा, शुड बी सेटअप, बनाने की बात यहां पर की जा रही है। तो डीएनए से जुड़ा हुआ बिल जो हाल ही में भारत की पार्लियामेंट में पास हुआ और उससे जुड़ी हुई ये दो कमेटी आपके जीए के एक्सपर्ट से काफी जरूरी हो सकती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस खबर में आपके लिए क्या बाकी है जो हमें और जान लेना चाहिए। जैसे कि यहां पर हाईलाइटेड पॉइंट से मैंने दिया हुआ है द फाइनेंशियल मेमोरेंडम टू बी बिल एस्टिमेटेड दैट देयर विल बी अ नेट वन ऑफ कॉस्ट ऑफ 20 करोड़ टू सेट अप द डेटाबेस विद एन एनुअल कॉस्ट ऑफ 5 करोड़ टू मेंटेन इट। कई बार आप लोगों ने यह देखा होगा कि जीके एग्जाम में फिगर बेस्ड क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो यहां पर भी इसकी कॉस्टिंग यहां पर दी गई है कि अगर हम ये डीएनए डेटाबेस बनाते हैं तो इसकी कॉस्ट हमें कितनी पड़ेगी और पर ईयर के हिसाब से आपका मेंटेनेंस खर्च कितना पड़ेगा। तो आई थिंक आप लोगों ने इसके बारे में जानकारी ले ली होगी और पॉइंट नोट डाउन कर लिए होंगे और जरूरी चीजों को आपने स्क्रीनशॉट रख लिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैम को आपकी वापस बुलाते हैं ताकि वो आपसे जो टोन है इस पूरे आर्टिकल की उसके बारे में आपसे डिस्कशन कर सकें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर सपोर्टिंग अस। थैंक यू सर। चलिए अब हम जल्दी से इस आर्टिकल की टोन की बात कर लेते हैं। तो आपको पता है कि भाई डीएनए के लिए इन्होंने लास्ट में ऑथर ने अपने पॉइंट्स में बताया है, इन्होंने जब आप लास्ट में इसका समराइज वे पढ़ेंगे, इसको आप इसकी समरी पढ़ेंगे तो आपको जानने के लिए मिलेगा कि इन्होंने कहा है कि अभी हमें डीएनए को लेकर बहुत कुछ और करने की जरूरत है। अभी हमारी सरकार जो है पूरी तरीके से किसी नतीजे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है, तो बहुत कुछ है अभी जो हमें करना है और हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, बहुत सारे इन्होंने सजेशंस दिए हैं। तो फिर इसलिए इस आर्टिकल की जो टोन है वो सजेस्टिव टोन है, वो विचारात्मक टोन है, बहुत ज्यादा विचारपूर्ण टोन है। हमें इसमें काफी सारी चीजों का सजेशन मिला है ऑथर की तरफ से, जो कह रहे हैं कि इसको भी जोड़ लो, इसको भी जोड़ लो, ये भी कर सकते हैं। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामर का रूल है भाई, जानना पड़ेगा, और वो क्या है वो भी देख लीजिए। वो ये है कि जब से ये पैराग्राफ शुरू हुआ था सबसे पहले ही रूल बन गया था और एकदम मुझसे रहा नहीं जा रहा था, लग रहा था कि तुरंत आपको, जैसे सर ने पढ़ना शुरू किया ना, एकदम मन किया कि मैं आपको बता दूं। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले जब ये शुरू हुआ तो यहां पर सर ने एक लाइन पढ़ी थी कि कुछ लाइन आई थी ना विद अ व्यू टू, कहीं पर एक लाइन आई थी, देखिए ये रहा विद अ व्यू टू। तो ये एक ऐसा फ्रेज होता है, ध्यान रखिएगा, ये एक ऐसा फ्रेज होता है जिसके लास्ट में टू आता है, बावजूद इसके क्रिएट नहीं लिखा जाता, क्रिएटिंग लिखा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, विद अ व्यू टू लिखा हो, लुक फॉरवर्ड टू लिखा हो, ये सब चीजें नोट कर लीजिए, लुक फॉरवर्ड टू लिखा हो, विद अ व्यू टू लिखा हो, गिवन टू लिखा हो, अकस्टम्ड टू लिखा हो, इस तरह के कुछ और फ्रेजेस हैं उनको याद कर लीजिए। इत्यादि अगर लिखा होता है तो उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगता है, सिंगुलर वर्ब नहीं आता है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, इसे याद रख लीजिएगा, इसको अपने माइंड में बैठा लीजिएगा कि ये कभी भी सिंगुलर नहीं आते हैं, इनके बाद हमेशा आईएनजी लगता है। इसलिए यहां पर जो है क्रिएट नहीं लिखा हुआ है, क्रिएटिंग लिखा हुआ है। इससे पहले कि आपके मन में सवाल आए, मुझे ये बताना बहुत जरूरी था, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा कि जब बात यहां पर हुई है ऑल्दो की, है ना, कंजंक्शन के लिहाज से बात की जानी चाहिए, तो ऑल्दो के साथ यट लगता है और दो के साथ कॉमा, लेकिन क्योंकि ये न्यूज़पेपर है, ये एकदम क्रिटिकली ग्रामर के रूल्स को फॉलो नहीं करता है, अगर आप एसएससी के एस्पिरेंट होते तो यहां पर इस कॉमे का यूज भी जो है वो गलत माना जाता और उनसे कहा जाता कि आपको यट लगाना चाहिए था, ठीक है। तो अगर कोई एसएससी के लिहाज से तैयारी कर रहा है वो ध्यान रखे कि कंजंक्शन ऑल्दो के साथ पेयर में यट लिखा जाता है, कॉमा नहीं लगाया जाता, लेकिन अगर यहां पर ये न्यूज़पेपर इन्होंने लगा दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना, ग्रामर के लिहाज से इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर दो लिखा होता यहां पे ऑल्दो की जगह तो दो के साथ क्या यूज किया जाता, दो के साथ कॉमा का यूज किया जाता, ठीक है। नेक्स्ट जो आपको जानने के लिए मिलेगा, देखिए मस्ट बी विल बी शैल बी कुड बी मे बी माइट बी के साथ क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना, थर्ड फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। अब क्योंकि ये वर्ब है तो आपको पता है वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है, वर्ब को क्वालिफाई एडवर्ब करता है, इसलिए यहां पर इफेक्टिव नहीं लिखा है, इफेक्टिवली लिखा हुआ है, इसका ध्यान रखिएगा, है ना, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर यहां पर कॉमा है तो वो भी गलत नहीं है, लेकिन एसएससी में अगर, हाँ अगर ऐसा होता तो एसएससी में तो भाई इस एस का इस्तेमाल कर रहे हैं, जेड का, एसएससी में तो इसको भी पकड़ लेते हैं वो, क्योंकि एस का इस्तेमाल ब्रिटिशर्स करते हैं और जेड का इस्तेमाल अमेरिकन करते हैं, और आपको पता है हम लोग जो अंग्रेजी इस्तेमाल करते हैं वो ब्रिटिशर्स की करते हैं, तो एसएससी में तो उसको भी गलत माना जाता है ना, वो कहते हैं एस लगाओ तो बेहतर है,
वर्ड्स के बीच में आप कई बार देखते होंगे, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और जब बैंकिंग की बात करते हैं तो वहां पर इतना मैटर नहीं करता, आपको सिर्फ मीनिंग समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ग्रामर के लिहाज से बहुत कुछ आपको यहाँ पे जानने के लिए मिला। अब जैसे यहाँ पर ही आपको देखने के लिए मिला कि जैसे टू अवॉइड लिखा था, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई थी, ठीक है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई थी, आपने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना। अब बात हम कर रहे हैं इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म कब लगती है, इज एम आर और वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म कब लगती है। इज एम आर और वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म तब लगती है जब वो पैसिव के स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, ठीक है। Now moving on to the next, अब हम बात कर लेते हैं जो हमको PO के examination में error देखने के लिए मिला था। एक paragraph में एक part को bold किया गया है, जिसमें से भी A part जो है वो correct है, आपको बाकी part में error बतानी है, आपको बाकी part में error बतानी है। और error क्या है वो आ चुकी है आपकी screen पर, पढ़ लीजिए। यहां से आपकी error शुरू हुई है और यहां पर खत्म हुई है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज के अंदर ही जो है वो क्या हो रहा है, एरर दिया हुआ है, जिसमें भी जो ए पार्ट है वो बोल्ड है, वो सही है, बाकी एरर में आपको आंसर देना है। द सोल्यूशन दैट हैज बीन वर्कड आउट टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम इज द IGST एंड इट इज इम्पोज फॉर इंटर स्टेट सेल्स। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, CD में गलती है, BD में गलती है, BC में गलती है, खाली C में गलती है, या कोई गलती नहीं है, आंसर देना शुरू करिए। और सबसे पहला आंसर आ चुका है ज्ञानदास नोंगमेथम जी का, उन्होंने कहा है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आंसर आया है सत्यम जी का, उन्होंने कहा है बी, यानी कि वो कह रहे हैं बोथ B और D। तो ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही कहा है इन्होंने, बिल्कुल सही आंसर दिया, कंग्रेचुलेशंस। ऑप्शन नंबर 2 में गलती है, क्योंकि आपको पता है कि 2 के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, ओवरकम्ड नहीं आना चाहिए। और दूसरा, इम्पोज ऑन होता है, किसी चीज पर इम्पोज करना, इम्पोज फॉर नहीं होता है, तो बिल्कुल ठीक है। आप सरप्राइज MCQ की बात कर लेते हैं, और सरप्राइज MCQ सर आपसे पूछेंगे, भाई सर पूछिए क्या आज का सरप्राइज MCQ है। जी हाँ बिल्कुल मैम, जैसा कि स्टूडेंट्स हमारे देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज लोकेटेड इन तमिलनाडु। जी हाँ, ऑप्शंस स्टूडेंट्स की कंप्यूटर स्क्रीन पर हैं, वो आसानी से इसके जवाब दे सकते हैं और अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले, सबसे जल्दी, सबसे सही जवाब कौन देगा। तो बिल्कुल तमिलनाडु, अभी हाल ही में खबरों में रहा है करुणानिधि सर की मौत के बाद। तो देखते हैं, यहां पर एक टेंपल की बात की जा रही है, जल्दी से आप लोग आंसर दे दीजिए कौन सा टेंपल है जो तमिलनाडु में लोकेटेड है। ऑप्शन हम यहाँ पर साफ साफ देख पा रहे हैं, स्टूडेंट बहुत तेजी से आंसर यहाँ पर कर पा रहे हैं। आलोक सिंह ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, सिमी ऑप्शन नंबर 4 बता रहे हैं, अनुराधा सिंह 3-4 वो डाउट में है, 50-50 वाला केस बता रहे हैं, सौरव कुमार 4 बहुत ही डेफिनेटली बता रहे हैं। तो चलिए सही आंसर हम लोग यहां पर देख ही लेते हैं कि यहां पर ऑप्शन नंबर जो 4 है आपका, वृद्धेश्वर करके जो आपका टेंपल है जो तमिलनाडु में है, वो सही आंसर है जो हमारे सर ने दिया है। बिल्कुल मैम, यहां पर स्टूडेंट्स काफी अवेयर हैं और काफी बेहतर तरीके से आंसर कर पा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी सेशन में। और अब अगर आपको सेशन पसंद आया है, अगर आपको जो नए चेंजेस किए गए हैं वो बहुत अच्छे लगे हैं, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कॉमेंट करना भूलिएगा मत, और जिस इस हर वो इंसान जिसको इस शो की जरूरत है उसके साथ शेयर कीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। गुड बाय एंड गुड लक।